आज एक और वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। और आज हम माइलेज की दूसरी वीडियो यानी पार्ट टू। तो इस वीडियो में मैंने आज जितना भी डेटा कलेक्ट करना था कर लिया मैंने, जो कल मैंने चलाया और मैंने इसे एक एक करके चलाया, मतलब 20% चलाया एक मोड पे, 10% चलाया एक मोड पे और उसे नोट कर लिया कैमरे से, क्लिक कर ली सारी पिक और पिक मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा दूँगा ताकि आप कंपेयर कर सकें। तो पहले से मैंने चलाया 85%, उससे पहले भी मैं ले सकता था बट मैं ले नहीं पाया, तो मैंने 85 से एलिवेट करना शुरू करा है। तो 85 से लेके 76 जाने में 9% की बैटरी खर्च हुई और इसमें ये चली 10 किलोमीटर, यानी कि 9% में 10 किलोमीटर चल गई। फिर मैंने इसे सेकेंड मोड पर शिफ्ट कर दिया और 76 से 56 चलाया इसे मैं, 76% से 56% तक लाया और फिर मैंने दोबारा पिक क्लिक करी और जब मैं इसे माइनस करा तो इसमें आया 15 किलोमीटर, यानी कि 20% से 15 किलोमीटर चल जाता है। उसके बाद मैंने चलाया 56% से 36%, यानी कि फिर दोबारा मैंने 20% चलाया तो इस बार जब मैंने कैलकुलेट करा तो 20% में चली 12 किलोमीटर। तो गाइस ये माइलेज की वीडियो थी और उसका पार्ट टू है ये वाला। इस वीडियो में आपको ये पता एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि ये बाइक कितना दे रही है, कितनी एवरेज दे रही है। और उस बंदे ने कहा था कि इसे मोड 1, मोड 2 और मोड 3 में अलग अलग करके चलाऊँ, तो मैंने चला दिया और ये डेटा आपको बता दिया। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने पिक अटैच कर दी है मीटर की, तो आप अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, पॉज करके देख लो चाहे। और गाइज़ मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई ये 130 जा सकती है, तो गाइज़ मैं 130 तक तो आपको फेवरेबल कंडीशन में कह सकता हूँ जा सकती है, बट 130 से ऊपर मैं नहीं कह सकता, 140 भी नहीं जाएगी ये कंपनी, जबकि 150 कहती है, पर ये 140 भी नहीं जाएगी, ये कन्फर्म है। तो अब अपनी नीड के अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके लिए बाइक सूटेबल है या नहीं। इसके बाद मैं एक और एक्सपीरियंस वीडियो भी लाने वाला हूँ, तो उसका थोड़ा सा वेट करो। और गाइज मैंने यहाँ पे जो सेकंड मोड में है उसको मैंने वीडियो में 15 किलोमीटर बताया, बिकॉज वो 14.9 किलोमीटर था, मैंने उसे 15 बोल दिया, यहाँ पे आपको 14 दिखा रखा है। तो गाइज ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और भी रिवॉल्ट की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।